हम सभी लालची राजा मिदास की कहानी जानते हैं। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता वह और अधिक सोना चाहता। उसके सोने को खजाने में जमा कर लिया था और हर रोज उसे गिना करता था। एक दिन जब वह सोना गिन रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे ऐसा कोई वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी दे। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को छूं वह सोना बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें किसी चीज़ को छूकर सोना बना देने की ताकत मिल जाएगी। राजा ने सोचा कि वह सपना देखा होगा, यह सच नहीं हो सकता। अगले दिन जब राजा नींद से उठा तो उसने अपना पलंग छुआ और वह सोने का बन गया। वह वरदान सच था। राजा ने जिस चीज़ को छुआ वह सोना बन गई। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलते पाया। उसने अपनी बिटिया को यह अजूबा दिखाना चाहा और सोचा कि वह खुश होगी। लेकिन बागीचे में जाने से पहले उसने एक किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसे ही उसे छुआ वह सोने की बन गई। वह किताब को पढ़ न सका। फिर वह नाश्ता करने बैठा। जैसे ही उसने फलों और पानी के गिलास को छुआ वो भी सोने के बन गए। उसकी भूख बढ़ने लगी और वह खुद से बोला, मैं सोने को खा और पी नहीं सकता। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ती हुई वहाँ आई और उसने उसे बाहों में भर लिया। वह सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई। राजा सर पकड़कर रोने लगा। वह वरदान देने वाला अजनबी फिर आया और उसने राजा से पूछा कि क्या वह हर चीज़ को सोना बना देने की ताकत से खुश है? राजा ने बताया कि वह दुनिया के सबसे दुखी इंसान हैं। राजा ने उसे सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बिटिया या सोने के ढेर और बिटिया की सोने की मूर्ति? राजा ने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा। मेहरबानी कर मेरी बेटी मुझे लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज़ मूल्यहीन हो गई है। अजनबी ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो। और उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी वापस फिर से मिल गई और उसे एक ऐसी सीख मिली जिसे वह जिंदगी भर ना भुला सका। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नए और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें।